गुड इवनिंग अपेक्षा, लाइवा गुड इवनिंग, अनुष्का गुड इवनिंग बेटा, दक्ष गुड इवनिंग, वितरणा गुड इवनिंग बेटा, पृथ्वी गुड इवनिंग, विनायक गुड इवनिंग भाई, त्यागी जी गुड इवनिंग। और भाई बच्चों, अरे टेस्ट दे दिए थे भाई, टेस्ट दे दिए थे आपने, क्यों भाई? अच्छा वेरी गुड, हाँ टेस्ट देना था भाई। चलो अब बिल्कुल सिंपल मैनर में हम बात करेंगे। अर्चित गुड आफ्टरनून, अभिनव गुड इवनिंग, भैया गुड आफ्टरनून हो रहा है बेटा, इवनिंग हो रही दोस्त। अर्चित भाई अब तो इवनिंग है। बिल्कुल सिंपल मैनर में बात करेंगे, है ना। वंश गुड इवनिंग भाई, आज हमको हीट स्टार्ट करनी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कंपटीशन आल्सो, है ना, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, क्या चीज है बेटा? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। खुशी गुड इवनिंग। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी आपको जो पढ़ना है दैट इज द पोर्शन रिलेटेड टू हीट। याद रखना यूनिट 7 ही है, यूनिट 7 का लास्ट पोर्शन है ये, है ना, और इसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक है। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 7, दिस इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सही है। चलिए अब बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से बात करते हैं, बताइए, बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से बात करते हैं, जरा बताइए व्हाट इज हीट, हीट क्या होती है, बताओ बेटा हीट क्या होती है, व्हाट इज हीट। अरे व्हाट इज हीट बेटा, एनर्जी एक वर्ड से काम नहीं चलता ना, इट इज ओनली अ सिंगल वर्ड एनर्जी, इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा वाइड व्यू में बताओ व्हाट इज हीट, व्हाट इज हीट, व्हाट इज हीट। मान लीजिए कोई एक बॉडी है ए, ये कोई एक बॉडी है बी, इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2, और T1 टेम्परेचर ज्यादा है बेटा T2 से, तो जिस टेम्परेचर से जो ज्यादा होता है उधर से जो कम टेम्परेचर होता है वहां को एक एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। आ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टिल द टेम्परेचर बिकम इक्वल, इनका जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाना चाहिए, टी हो जाना चाहिए, है ना। तो आप यहां यहां पर क्या बोलेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर टिल द टेम्परेचर बिकम इक्वल। एक एनर्जी की फॉर्म है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जो है वो ट्रांसफर होती है टिल द टेम्परेचर बिकम इक्वल, दैट इज कॉल्ड हीट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हीट कहते हैं, इट इज कॉल्ड हीट। और जो हीट का सिंबल है ना बेटा,
इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू. कैपिटल क्यू से डिनोट होती है. इट्स एस आई यूनिट इज जूल, है ना, जे से डिनोट. और इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज कैलोरी. जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या है बेटा? कैलोरी है, है ना. डिनोटेड बाई सी ए एल, कैलोरी. एसआई यूनिट क्या है बेटा? जूल है. और जो प्रैक्टिकल यूनिट है जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली जिसमें हीट को मेजर करते हैं वो है बेटा कैलोरी. तो इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर टिल द टेम्परेचर बिकम इक्वल. जब तक टेम्परेचर क्या नहीं हो जाते बेटा? सेम नहीं हो जाते. कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं. एसआई यूनिट जूल होती है और प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी होती है. डिनोटेड बाई सी ए एल, कैलोरी. जरा यहां तक बताओ. हीट आपको पहले पता भी था, थोड़ा मैंने उसमें ऐड कर दिया. बताइए हीट समझ आया? व्हाट इज हीट? क्यों भाई, व्हाट इज हीट आर यू गेटिंग? अब इसमें एक बात जो है वो बार बार आ रही है, दैट इज टेम्परेचर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? बताओ भाई टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज टेम्परेचर? बताओ भाई व्हाट इज टेम्परेचर? बताओ व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? क्यों भाई, हीट तो आपने बता दी और हमने उसमें ऐड कर दी. हायर से लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होने वाली जो एनर्जी है वो हीट कहलाती है. द एनर्जी विच इज, हाँ, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. वेरी गुड अपेक्षा. डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर. ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? टेम्परेचर बोलते हैं. अच्छा, टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसे करते हैं? हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर? बेटा टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर? कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से. और अगर थर्मोमीटर ना हो तो? इफ वी डोंट हैव थर्मोमीटर वी वॉन्ट टू फाइंड टेम्परेचर विदाउट थर्मोमीटर तो? बाय द सेंस ऑफ टच. क्या आप छू के नहीं बता सकते हो ये चीज गर्म है ये चीज ठंडी है? अब जैसे आपको फीवर फील होता है तो सबसे पहले आप थर्मोमीटर ही लगा देते हो कि छू के बताते हो? क्यों भाई, आप छू के बताते हो कि नहीं बताते, है ना? तो बाय टच, है ना. तो इट कैन बी मेजर्ड बाय टच. टच से मेजर होता है और बाय इंस्ट्रूमेंट. और ये जो इंस्ट्रूमेंट आप बोल रहे हैं This is basically thermometer. This instrument is basically what? It is thermometer. तो temperature दो तरीके से measure किया जाता है. एक तो by touch, आप उसको छू दो then temperature measure हो जाता है. एक जो thermometer है, thermometer से you can measure temperature. तो basically यहाँ पर दो चीजें हमने बहुत आसानी से define की. पहली बात heat और दूसरी बात temperature. अब इसमें आगे चलते हैं. अब आप एक बात बताइए, क्या टेम्परेचर मेजर करना बहुत जरूरी होता है? जी बिल्कुल. अगर आपको हीट का आइडिया लेना है, अगर आपको हीट के बारे में कैलकुलेशन करनी है, अगर आपको हीट के बारे में जानकारी करनी है, तो आपको टेम्परेचर नापना पड़ेगा, है ना. तो हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर? आप टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? देखिएगा, हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर, है ना. तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसका मैंने रॉड बनाया. क्या बनाया? एक मटेरियल है, उसका मैंने रॉड बनाया. और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, अगर उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करता हूं, तो उसकी जो लेंथ है इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर. समझ आया? कितनी बढ़ जाती है? 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है,
है ना, तो मैंने माना रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर बेसिकली रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, रूम टेम्परेचर पर उसकी जो लेंथ थी वो 100 सेंटीमीटर थी, कितनी थी 100 सेंटीमीटर थी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर। अब उसको एक अननोन टेम्परेचर पर हमने रख दिया, वो टेम्परेचर हमको नहीं मालूम है, हम वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, है ना। इसको हमने एक अननोन टेम्परेचर पर रख दिया और हमने आपसे कहा इसको अननोन टेम्परेचर पर रखने से लेंथ हो गई 160 सेंटीमीटर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं ये टेम्परेचर कौन सा है, व्हाट इज दिस टेम्परेचर, तो हाउ कैन यू मेजर टेम्परेचर, जरा बताओ क्यों भाई, कैसे आप इस टेम्परेचर को जो है मेजर करेंगे, बोलिए। अरे कैसे आप इस टेम्परेचर को मेजर करेंगे जरा बताइए, हाउ कैन यू मेजर दिस टेम्परेचर, बताओ भाई टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, बोलो बोलो यार, हाउ कैन यू मेजर टेम्परेचर। वन सेंटीमीटर इंक्रीज जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है, तो 60 सेंटीमीटर जो इंक्रीज हुआ वो 60 डिग्री सेल्सियस के लिए हुआ, ओरिजिनली 27 था तो टोटल टेम्परेचर हुआ 27 तो ऑलरेडी था प्लस 60 तो 87 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर हुआ। क्यों भाई क्या आप ये समझ पाए, आर यू गेटिंग दिस, तो आपने कैसे निकाला ये, हाउ कैन यू मेजर दिस, आपने क्या चीज ये जो टेम्परेचर है अननोन टेम्परेचर वो कैसे मेजर किया, हाउ कैन यू मेजर, कैसे मेजर किया बताओ, क्या चीज पता की आपने, जो सबसे ऊपर की लाइन है वो पता होनी चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने पर लेंथ कितनी इंक्रीज होती है और उसके हिसाब से अननोन टेम्परेचर आप नाप पाए, है ना। तो जो टेम्परेचर नापने के जो इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर, है ना, वो ऐसे ही किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, है ना। जो थर्मोमीटर है टेम्परेचर नापने के लिए वो ऐसे ही किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं जैसा अभी आपने इस्तेमाल किया, तो हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर नापने के लिए जो प्रिंसिपल आप यूज करते हैं मेजरमेंट के, वी आर डीलिंग विद दैट। नंबर फर्स्ट, अभी हमने क्या देखा, एक्सपेंशन ऑफ लेंथ, यानी एक्सपेंशन ऑफ लेंथ की हेल्प से आप टेम्परेचर मेजर करते हो, जैसा हमने आपको एग्जांपल दिया। अब जो मर्करी वाला थर्मोमीटर होता है, मर्करी वाला जो थर्मोमीटर होता है उसमें बताओ आगे मेटल टिप क्यों होती है, ये जो मर्करी वाला या डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसमें आप बताएं जो फ्रंट है उसका, जिसको आप मुंह में लगाते हैं जीभ के नीचे, वो मेटल टिप क्यों होती है, व्हाई इट इज मेड बाय मेटल, बोलो भाई वो मेटल का क्यों बना होता है, व्हाई मर्करी द टिप ऑफ मर्करी थर्मोमीटर इज मेड बाय मेटल, कंडक्शन के लिए, ताकि जब उसको जीभ के नीचे लगाएं तो वो सेम टेम्परेचर पर आ जाए जितने पर हमारा जो माउथ का टेम्परेचर है, है ना। तो उसमें कंडक्शन के लिए वो ऐसा लगाते हैं और सेम टेम्परेचर, मतलब वो थर्मोमीटर इक्विलिब्रियम में आ जाए और वो हमारे मुंह का सही टेम्परेचर नाप दे, है ना। और एक्सपेंशन, मर्करी का लेवल ऊपर राइज होता है कि नहीं होता बताओ भाई, जब हम उस थर्मोमीटर को मुंह में लगाते हैं तो क्या मर्करी का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो उसमें किस चीज का एक्सपेंशन हो रहा है, लेंथ ऑफ मर्करी, वहां पर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कौन सी चीज है बेटा जिसका एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज लेंथ ऑफ मर्करी। किसकी लेंथ एक्सपेंड हो रही बेटा, मर्करी की लेंथ एक्सपेंड हो रही है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ मर्करी, लेंथ ऑफ मर्करी, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ लेंथ तो आप यूज ही करते हो बेसिकली, है ना, एक्सपेंशन ऑफ लेंथ यू आर यूजिंग प्रैक्टिकली। और क्या हो सकता है,
और हो सकता है बेटा एक्सपेंशन ऑफ एरिया, क्या हो सकता है बेटा एक्सपेंशन ऑफ एरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, और हो सकता है एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, क्या हो सकता है बच्चे एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, और हो सकता है एक्सपेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, एक्सपेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर नापने के इस्तेमाल में आता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है, और क्या हो सकता है, एक तो हुआ एक्सपेंशन ऑफ लेंथ, एक्सपेंशन ऑफ एरिया, एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, एक्सपेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और एक होता है इंक्रीज इन प्रेशर या एक्सपेंशन ऑफ प्रेशर, एक्सपेंशन ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर का बढ़ जाना, ऐसी बहुत सारे प्रिंसिपल से थर्मोमीटर बनाया जा सकता है, जैसे मर्करी थर्मोमीटर में लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम बढ़ जाता है ना, किसी थर्मोमीटर में एरिया इंक्रीज हो जाता है तो उस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ उसके हिसाब से हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर नाप लेते हैं, कहीं पर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर नाप लेते हैं, कहीं पर रेजिस्टेंस बदल जाता है तो उस रेजिस्टेंस के बदलने की वजह से हम थर्मोमीटर नाप लेते हैं, है ना, क्यों भाई, और कहीं पर एक्सपेंशन ऑफ प्रेशर जो है वो बदल जाता है तो प्रेशर की एक्सपेंशन की वजह से, प्रेशर के चेंज होने की वजह से हम टेम्परेचर नाप लेते हैं, तो ये जो क्वांटिटीज में चेंज होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमको चेंज मालूम हो, इफ वी नो द चेंज है ना फॉर 1 डिग्री सेल्सियस देन वी कैन मेजर अननोन टेम्परेचर, है ना, तो यहां पर हमको 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज जो है वो पता होना चाहिए, है ना भाई, हमको क्या पता होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज जो है वो पता होना चाहिए, तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वी मस्ट नो, फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वी मस्ट नो द चेंज इन हाँ कौन सी क्वांटिटी, लेंथ एरिया वॉल्यूम रेजिस्टेंस प्रेशर, द चेंज इन क्वांटिटी फॉर 1 डिग्री सेल्सियस एंड दिस चेंज फॉर 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है भाई, इट इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसको कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, अगर लंबाई बढ़ रही है तो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे, अगर एरिया बढ़ रहा है तो कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बोलेंगे, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलेंगे, अगर आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सपेंशन बोलेंगे, प्रेशर चेंज हो रहा है तो कोफिशियंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन बोलेंगे, ठीक है भाई, अब जरा बताओ मुझे, है ना, तो सबसे पहले हमने हीट समझी क्या होती है, फिर हमने टेम्परेचर समझा क्या होता है, फिर टेम्परेचर को मेजर दो तरीके से किया जा सकता है, एक बाय द सेंस ऑफ टच और दूसरा बाय इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किस चीज का होता है, लेंथ का, एरिया का, वॉल्यूम का, रेजिस्टेंस का और प्रेशर का, और जो 1 डिग्री सेल्सियस पर जो एक्सपेंशन होता है, 1 डिग्री सेल्सियस पर जो चेंज होता है उसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया में चेंज हो रहा है तो एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, प्रेशर में चेंज हो रहा है तो प्रेशर एक्सपेंशन, रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस एक्सपेंशन, ये आपको ध्यान में रखना है, बताइए, बोलिए, चलिए जी नेक्स्ट,
मुझे लग रहा है कोरोना की वजह से दोबारा से थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है शायद, है ना। और मैं पढ़ रहा था कि कुछ फाइन वगैरह भी इम्पोज किए जा रहे हैं, है ना, जो बिना मास्क के घूमेंगे या कुछ, मतलब जो डाउटफुल केसेस हैं उन पर कुछ फाइन वाइन भी इम्पोज किया जा रहा है ना। कोरोना में कुछ सख्ती हो रही है थोड़ी, ऐसा मैं पढ़ रहा था। अब पता नहीं वो सख्ती है कि नहीं है, लेकिन न्यूज में तो है भाई। बाकी देखो भाई, कम होना चाहिए यार, अब तो बहुत ज्यादा हो गया यार, साल भर हो गया यार, कंप्लीट ईयर गोस, है ना। आदमी बंधक हो गए यार इसमें कोरोना में भाई। हाँ सही है यार, आदमी बंधक हो गए हैं भाई यार। ठीक है, बहुत मतलब मुझे तो मतलब खुद एहसास बड़ा अजीब हुआ यार, 17 दिन बिल्कुल जेल में रहा यार, ये समझो आप, बिल्कुल जेल में रहा, अजीब फीलिंग है ना। आदमी बंधक हो गए यार। बेटा तुम्हें तो मतलब ऐसा फीलिंग आती है, मैंने तो पूरा एंजॉय किया उस पीरियड को, देखो विनायक अपने अपने एडवांटेज हैं दोनों के। मैं तो ऑनलाइन, देखो आपको बताऊं, आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम 2 इयर्स ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन तो मैं 2 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, मेरा ऐप ऑलरेडी 2 साल से है, उस पर लेक्चर्स जो हैं रिवीजन के लिए पहले से अवेलेबल थे। जो वीडियोस मैं आपको भेज देता हूं वो जो बच्चे मतलब 2 साल से मेरे पास रहते हैं उनको ये रिवीजन के लिए वीडियो भेज दी जाती है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में मुझे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। ऑनलाइन में आपको एडवांटेज बहुत है, ऑनलाइन में बच्चों के एडवांटेज बहुत है, जैसे कि लेक्चर सेव हो जाते हैं, फीलिंग वही लाइव क्लास अगर ले रहे हैं तो फीलिंग सेम रहती है, लेक्चर सेव हो जाते हैं, उसको 20 बार देख लो, 50 बार देख लो, एक एक बात सेव हो जाती है। नोट्स जो हैं आपके फोन पर रहते हैं, आप अगर कहीं जा रहे हैं, सपोज मेरठ से बाहर जा रहे हैं, कोई बहुत अर्जेंट काम है तो भी क्लास नहीं छूटती है। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको वहां पर उस पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल होना ही होता है ना। तो ये मतलब ये जो है ये समस्या हो जाती है। अच्छा ऑफलाइन पे क्या होता है, बच्चा बार बार पूछता रहता है, सर वो फला टॉपिक जो था वो बड़ा टफ था सर, दोबारा समझा दो सर, है ना, वो जो टॉपिक था उस चैप्टर का वो सर टफ लगा मुझे, एक बार और पढ़ा दो सर, है ना। तो इसमें ये झंझट नहीं है, इसमें ऑनलाइन में क्या होता है, एक एक बात एक एक शब्द सेव है आपके पास, आप उसको 100 बार देखो, 500 बार देखो, 5000 बार देखो, That depends on you. क्यों चौधरी, बहुत सारे एडवांटेज हैं इसमें। और अगर आपको रिवाइज करना है तो स्पीड बढ़ा दो, समय बचाओ, क्यों भाई, रिवाइज करना है तो स्पीड बढ़ा दो, समय बचाओ। तो बच्चा अपने हिसाब से इसको डील कर सकता है ना, स्टूडेंट कैन डील एज पर हिज ओब्लिक हर रिक्वायरमेंट, क्यों भाई, है ना। तो मुझे तो कोई अंतर दिखाई दे नहीं रहा, बाकी तो देखो भैया वो ट्रेडिशनल है ना, हम लोग जो हैं हम लोग ट्रेडिशन पे चलते हैं, ठीक है, रोबोटिक हैं हम लोग, जो सिखा दिया उसको छोड़ते हुए बहुत जोर पड़ता है ना, मतलब बेसिकली वी आर फॉन्ड ऑफ ऑफलाइन, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें तो ऑनलाइन में भी बुराई नहीं है कुछ भी, वी आर फॉन्ड ऑफ ऑफलाइन, मतलब हमको ऐसा लगता है कि ऑफलाइन जो है वो जीवन है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप देखें तो ऑनलाइन पे बहुत सारे एडवांटेज हैं, आपका समय सेव होता है, बहुत सारा समय सेव होता है। आप खुद सोचें, आपको जाना नहीं पड़ता, ठंड में नहीं जाना पड़ता है, अंधेरे में नहीं जाना पड़ता है ना, अंधेरे में नहीं जाना होता है, ठंड में नहीं जाना होता है, बीमारी से आप बचते हैं। सपोज कीजिए आप अभी रोड पर ट्रेवल कर रहे होते, स्कूटी पर होते, है ना, तो मुसीबत होती, शादियां हैं, जाम है, ठंड है ना,
बहुत सारी परेशानियां हैं, उनसे सबसे आप बच जाते हैं। तो मुझे तो यही सुटेबल लगता है कि आपके लिए तो बड़ा कन्वीनियंस है इसमें ऑनलाइन में, बच्चों के लिए। हमारे लिए थोड़ा मुसीबत यह है, अब देखिए जैसे हमारा कोचिंग है, वी आर पेइंग रेंट, वी आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो एक फिक्स चार्ज है उसका आता है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है, फिर भी हमें रेंट देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ रहा है ना, जो हमारे कर्मचारी उनकी सैलरी देनी पड़ रही है ना, तो पूरा सिस्टम हमने जोड़ रखा है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट सिस्टम, है ना। तो ये बेटा ये है ना, और उसपे ऐप का इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया, ऐप कंपनी का है, तो वी आर पेइंग टू कंपनी ऑल्सो, है ना। तो कंपनी को जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, जो ये प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लास प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारी चीजें, उसके लिए पैसा लेते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल सा हो गया, मतलब दो ट्रैक हो गए डिफरेंट डिफरेंट, वो दोनों को बना के रखना है तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन है ना, आपके लिए एडवांटेज है मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन में। मतलब चौधरी में समझ नहीं आया, मुझे समझा नहीं, मैं आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है चौधरी, बताओ भाई, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। मतलब टीचर का डर नहीं है ये कहना चाह रहे हो, मतलब टीचर का पेरेंट्स का डर नहीं रहा, बच्चे जो है फ्री माइंड करते हैं चीजें। हाँ हाँ ये तो है, आलसी हो गए हैं, मानता हूं ये बात है, वो आलसी हो गए हैं, दे आर नॉट थिंकिंग दैट दिस वर्क इज बेनिफिशियल फॉर देम, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, घर में लेटे रजाई में कुछ खा रहे हैं, साइड में मोबाइल चला रखा है, और मतलब एजुकेशन को एक प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं, ये मैं मानता हूं चौधरी। लेजीनेस डेवलप हो जाती है इन चीजों से, ये है, ये बात सच है चौधरी साहब, ऑफलाइन का ये एडवांटेज तो है। होगा यार ये एडवांटेज दोबारा लौटेगा, लेकिन ऑनलाइन साथ में रहेगा, अब देख लेना भविष्य में ऑनलाइन रिक्वायरमेंट बन जाएगी साथ में। चलो भाई थर्मोमीटर देखो, बताओ भाई क्या होता है थर्मोमीटर, व्हाट इज थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है भाई। ये एक डिवाइस है यूज टू मेजर टेम्परेचर, है ना, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर नापने के ही तो काम आती है यार, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर, ये डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करने के काम आती है ना, जो टेम्परेचर मेजर करने के काम आती है इसको थर्मोमीटर कहते हैं। अब थर्मोमीटर में आप देखें, अगर आई कैन शो यू थर्मोमीटर, यार मेरे पास कोई थर्मोमीटर है क्या, डिजिटल नहीं, आपको मर्करी वाला दिखाना है, लेट मी सर्च अ थर्मोमीटर, आई वॉन्ट टू शो यू, तो थोड़ी फील आती है उससे, थोड़ा वेट करना बेटा मैं थर्मोमीटर ढूंढ के लाता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा।
फाइनली आई गॉट द थर्मोमीटर. एक सेकेंड रुके है, लेट मी पुट द माइक. वेट. आजकल मर्करी वाला तो ये नॉर्मली मिलता भी नहीं है. मेरे पास है तो मैं आपको शो करता हूं. देखिए देखिए काफी समय बाद देख रहे होंगे आप इसको, है ना. आप काफी समय बाद देख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा आपको, है ना. अच्छा आप जरा एक चीज देखो उसमें. एक इसमें आपको लोएस्ट टेम्परेचर देख रहा होगा. देखो एक लोएस्ट टेम्परेचर है और एक हाईएस्ट टेम्परेचर है. मतलब थर्मोमीटर लोएस्ट से हाईएस्ट टेम्परेचर के बीच में होता है. देखिए आप, इट इज मार्क्ड बिटवीन टू टेम्परेचर, वन इज लोएस्ट एंड वन इज हाईएस्ट. ठीक है ना भाई. ये दो और ये वो मेटल टिप है जिसकी मैं बात कर रहा था. दिस इज अ मेटल टिप जो कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है. ठीक है, दिस इज अ मेटल टिप विच इज यूज फॉर कंडक्शन. किसके लिए इस्तेमाल होती है बेटा? कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है. तो जरा देखिए, डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर. थर्मोमीटर वेरीज बिटवीन टू फिक्स पॉइंट. थर्मोमीटर वेरीज बिटवीन टू फिक्स पॉइंट. यहां पर दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, है ना. पहला फिक्स पॉइंट क्या होता है? तो पहला जो फिक्स पॉइंट होता है इसका, जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है इसका, है ना. कौन सा होता है बेटा? लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, है ना. पहला होता है बेटा लोएस्ट टेम्परेचर और ये होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट. अब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भाई? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? जहां पर बर्फ बनना शुरू होता है, दैट इज द लोएस्ट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. और सेकेंड होता है बेटा हाईएस्ट टेम्परेचर. मतलब थर्मोमीटर जो है उसका लोएस्ट, अगर मान लीजिए, देखिए जैसे आपने भी देखा, वो मनुष्य का टेम्परेचर नापने के लिए, आदमी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर है, तो उसमें तो ये फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा नहीं. तो आप कहो अगर कि सर आपने जो थर्मोमीटर देखा उसमें फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो भैया आदमी का कभी भी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता फीवर, है ना. यह 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आदमी का नहीं होता है. तो वो टेम्परेचर को, उस थर्मोमीटर को इतना टेम्परेचर मेजर करने में इस्तेमाल नहीं किया जाता. लेकिन जो सेल्सियस का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ना, जो सेंटीग्रेड का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल एंड स्टैंडर्ड थर्मोमीटर है, वो दो पॉइंट के बीच में होगा और वो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. उसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है जो भी मैंने आपको दिखाया, और वो पर्पस उसका छोटी रेंज में ही सॉल्व हो जाता है, इसलिए उतनी ही रेंज में उसका टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर स्केल, है ना भाई. जो स्टैंडर्ड थर्मोमीटर होते हैं वो इन दो पॉइंट के बीच में ही वेरी करते हैं, उस पर ये दोनों पॉइंट मार्क करना जरूरी होता है. और दूसरा जो टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. समझ आया आपको? तो किसी भी स्टैंडर्ड थर्मोमीटर में दो टेम्परेचर होते हैं. पहला होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पर बर्फ जमना शुरू होता है, और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट, जहां पर जो है वेपर बनना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, है ना. तो अब ये जो थर्मोमीटर हैं, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. अभी हम 2 सेकंड बाद आपको पढ़ाते हैं. पहले आप मुझे ये बताइए कि यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क. अगर यहां तक कुछ पूछना है तो पूछें. ठीक है, बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. तो भाई साहब भरे पड़े हैं थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स,
है ना, जैसे एक एग्जांपल दिया हमने सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है, एक ये पहला स्केल हुआ। दूसरा क्या होता है बेटा, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल, ये दूसरा हुआ है ना। और क्या होता है बेटा, पहला सेल्सियस और सेंटीग्रेड, दूसरा केल्विन और एब्सोल्यूट, तीसरा फारेनहाइट, FAHRENHEIT फारेनहाइट स्केल, चौथा र्यूमर REAUMER र्यूमर स्केल, और ये इतने सारे थर्मोमीटर्स जो हैं वो पॉसिबल है, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, कितने थर्मोमीटर्स होते हैं, पांच होते हैं है ना। पहला कौन सा होता है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड ग्रेड GRAD है ना। दूसरा कौन सा होता है, केल्विन और एब्सोल्यूट। तीसरा कौन सा होता है भाई, फारेनहाइट FAHRENHEIT स्केल। चौथा कौन सा होता है, र्यूमर REAUMER स्केल। और पांचवा कौन सा होता है, चलो किसी बच्चे को है ना, रेनकाइन और र्यूमर एक ही बात है, लाइबा नसीम रेनकाइन और र्यूमर एक ही बात है। अब कोई बच्चा अर्चित ले लेते हैं एक बच्चे को, तो पांचवा स्केल इज अर्चित स्केल, ठीक है। पांचवा स्केल क्या लिया भाई, अर्चित स्केल है ना, फाइव स्केल इज अर्चित स्केल, ठीक है अर्चित भाई, पांचवा स्केल ठीक है अर्चित, फाइव स्केल तुम्हारे नाम पे बना दिया हमने, ठीक है। हाँ ना तो बोलो यार, फाइव स्केल इज अर्चित स्केल। तो अब जो सेल्सियस है, सेल्सियस को कहां से कहां वेरी करता है, लोएस्ट इज 0 डिग्री, हाईएस्ट इज 100 डिग्री, और यहां पे कहीं हमने सी मतलब सेल्सियस का अननोन टेम्परेचर। केल्विन स्केल 273.15 केल्विन, हाईएस्ट इज 373.15 केल्विन और बीच में कहीं के। फारेनहाइट स्केल लोएस्ट 32212 और एफ है ना, 32212 और एफ, और र्यूमर में या रेनकाइन में 0 डिग्री र्यूमर, 80 डिग्री र्यूमर और आर है ना। ये सी के एफ आर ये अननोन है। अब अर्चित स्केल को आप बताइए क्या लिखूं, अर्चित स्केल कितना ले लूं, बॉलिंग पॉइंट चलो ले लेते हैं 10 डिग्री अर्चित, और ये ले लूं सपोज 122 डिग्री अर्चित और ये अर्चित, ठीक ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। बाकी तो फिक्स है, अर्चित वाला वेरिएबल है, ठीक है। यहां तक बताओ, अरे यहां तक बताओ, समझ आया। अब यहां से यहां का जो है इसको हम मानते हैं x, और यहां से यहां का जो है इसको हम मानते हैं l, तो सब में ये x होगा, सब में ये l होगा, x l x l x l। तो थर्मोमीटर कोई भी हो है ना, एनी टाइप ऑफ थर्मोमीटर, इस दुनिया का कोई भी थर्मोमीटर हो, लेकिन एक्स अपॉन एल का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। कोई भी थर्मोमीटर हो इस दुनिया में, एक्स अपॉन एल का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो फॉर ऑल थर्मोमीटर्स एक्स अपॉन एल इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसमें एक्स अपॉन एल कितना हुआ, सी माइनस जीरो। एक्स ऐसे ही तो निकालोगे, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, और एल कितना हुआ 100 माइनस जीरो इक्वल, इसमें एच कितना हुआ, के माइनस
273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15 इक्वल्स टू फारेनहाइट में कितना हुआ भाई, एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल्स टू आर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0। और अर्चित वाले स्केल का भाई ए माइनस 10 अपॉन 122 माइनस 10 ऐसा है ना, ये x अपॉन l कांस्टेंट हो गया। और अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन दे दें कि अगर सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो अर्चित में उसकी क्या वैल्यू होगी, व्हाट इज द वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस इन अर्चित स्केल। तो सेल्सियस में हमने रखा c अपॉन 100, जीरो तो कुछ होता नहीं, और अर्चित लिया a माइनस 10 अपॉन 122 माइनस 10 तो 112। तो अब सेल्सियस की जगह 50 अपॉन 100 इक्वल्स टू ए माइनस 10 अपॉन 112। तो 50 से दो बार 100, 2 से 112 काट दो तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ए माइनस 10 अपॉन 2 से 2 5 6 है ना। तो ए माइनस 10 इक्वल 56, ए इक्वल्स टू 66 डिग्री अर्चित आंसर। समझ आया आपको, जो सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो अर्चित स्केल में 66 डिग्री अर्चित है। ऐसा नीट में जेई में अननोन स्केल आपको दे देते हैं कि इसमें एक अननोन स्केल सपोज करो जिसका लोएस्ट टेम्परेचर है 2 डिग्री डब्ल्यू और हाईएस्ट टेम्परेचर है 80 डिग्री डब्ल्यू और उसमें अननोन टेम्परेचर निकालो 50 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग। तो ऐसे उसको कैलकुलेट करना होता है, यू हैव टू फाइंड है ना, आपको इस तरीके से उसको ऐसे कैलकुलेट करना होता है ना। ये रटना नहीं है आपको है ना, ये लर्न नहीं करना है, ये आपको सीखना है कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो आपने साथ साथ में ना जेई का भी क्वेश्चन कर लिया है और मेरे हिसाब से शायद आपको क्लैरिटी से समझ में ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए अगर कुछ पूछना चाहते हो तो, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग देन प्लीज आस्क, पूछिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। पूछिए, देन आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्वेश्चन। सही है, चलिए अब जरा क्वेश्चन लिखिए। फाइंड दैट टेम्परेचर एट विच, रजिस्टर उठाइए जरा क्वेश्चन लिखिए। फाइंड दैट टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फारेनहाइट, फाइंड दैट टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स गिव सेम रीडिंग। फाइंड दैट टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल गिव्स सेम रीडिंग। अब क्या करो, ये जो सी और एफ वाला है इन दोनों से आपको सॉल्व करना है और सी के जगह एफ रख देना है। फारेनहाइट में भी उतना ही आएगा, सेल्सियस में भी उतना ही आएगा। जरा सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। बताओ भाई, जरा सॉल्व करो।
बताओ भाई बेटा। अरे गलत है बेटा। बेटा नॉट करेक्ट। हाँ विनायक ठीक, अपेक्षा सही। -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फारेनहाइट, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो या तो सेल्सियस लिख दो या फारेनहाइट लिख दो, एक ही बात है। हाँ वंश सही है। बाकी बताओ भाई। -32 होता है। सी और एफ बराबर गिवन है, इसको एक्स मान लो, एक्स अपॉन 100, एक्स -32 अपॉन 180 कैंसिल, 5 9 x 5 x 10 16 तो 9 x -5 x -160 4 x -160 x = -40 तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फारेनहाइट। अरे बाकी से हुआ कि नहीं हुआ यार, तीन बच्चे ही कर रहे हैं बस खाली, वंश अपेक्षा विनायक वितरणा, चार बच्चे। क्यों भाई बाकी बताओ बेटा, यस मत बोलो, हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। डन ऐसा। आपने आंसर बड़ी लेट बताया। चलो एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। बताओ जिसकी सेल्सियस में वैल्यू 30 है, जिसकी, या आप ऐसे बताओ, जिसकी फारेनहाइट में वैल्यू 98.6 है, उसकी सेल्सियस में कितनी होगी? बताओ जिसकी फारेनहाइट में वैल्यू 98.6 है, उसकी सेल्सियस में कितनी होगी? फारेनहाइट में जिसकी वैल्यू 98.6 है, उसकी सेल्सियस में कितनी होगी? बोलो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना बेटा, आंसर बताओ। ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है जो आजकल आप नापते हो, नॉर्मल टेम्परेचर, ये पता होना चाहिए, इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि सेल्सियस में 98.6 का कितना होता है। बताओ बेटा, 37 नहीं होता बेटा, 37 नहीं आने का वंश, 37 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 37 नहीं होगा बेटा, पूरा परफेक्ट सॉल्व करो। परफेक्ट 37 आ रहा है, क्यों भाई एकदम परफेक्ट 37 आ रहा है? अच्छा सी अपॉन 100, 98.6 -32 अपॉन 180 इससे कैंसिल, 5 9 9 सी 5 से मल्टीप्लाई, बताना राइट साइड वाला कितना आता है, व्हाट इज राइट साइड टर्म, राइट साइड वाली टर्म कितनी आती है? अरे राइट वाली टर्म कितनी आती है इक्वल टू के राइट वाली, राइट वाली टर्म बताओ भाई, बेटा राइट वाली टर्म बताओ, 66.6 तो सी इक्वल 66.6 अपॉन 9। नहीं ये तो नहीं बैठेगा, तीन सौ 33 आती है राइट वाली टर्म, सत्ताईस 6 37 हाँ 37 डिग्री सेल्सियस।
यार कोई 332.5 बता रहा है यार, कोई 336 बता रहा है, ऐसे मत करो यार। समवन इज टेलिंग 336, समवन इज टेलिंग 332, ऐसे मत करो भाई। एक वैल्यू बताओ यार, 333/9 वही लिखा है मैंने, 37। अरे कोई डाउट तो नहीं है भाई, आज जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट? एकदम बढ़िया समझ आया क्यों भाई? एकदम अच्छा समझ आया आज जितना पढ़ाया? चलिए बहुत बढ़िया, आपसे उम्मीद है इसको आप रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आज इतना ही, कल फिर